नमस्कार दोस्तों, बाइक कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 स्कूटर्स अंडर 75,000 रुपीज इन 2019। दोस्तों, हमारे कंटेंट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी के साथ साथ सभी नए वीडियोज़ और कॉन्टेंट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर आती है हीरो की माइस्ट्रो एज। दोस्तों, माइस्ट्रो एज ये स्कूटर दो इंजन कॉन्फ़िगरेशंस में आती है, 110 सीसी और 125 सीसी। 110 सीसी की मुंबई में ऑन रोड कीमत है 70,000 रुपये, जो 110 सीसी के इंजन के सहारे 8.31 बीएचपी का पावर और 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 125 सीसी की मुंबई में ऑन रोड कीमत है 77,000 रुपये, जो अपने 125 सीसी के इंजन के सहारे 9.1 बीएचपी पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 125 सीसी के टॉप एंड वेरिएंट में लगा है फ्यूल इंजेक्शन, जो कि इसके सबसे बड़ी खूबी है, जिससे आपको बेहतर फ्यूल इकोनॉमी का अनुभव होगा। हीरो की तरफ से ये स्कूटर काफ़ी प्लांटेड और स्टाइलिश लगता है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह आपको 55 किलोमीटर तक का माइलेज हासिल करवा के देगी। इसी के साथ साथ 125 सीसी के टॉप वेरिएंट में आपको आगे डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा, जो ब्रेकिंग को डेफिनेटली सुधारेगा। फीचर्स की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में ऑलवेज ऑन हेडलैम्प, साइड स्टैंड रिमाइंडर, डिजिटल फ्यूल एंड ओडोमीटर जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। नंबर चार पर आती है टीवीएस की जुपिटर। दोस्तों, मुंबई में इसकी ऑन रोड कीमत है 55 से 65,000 रुपये। इसमें 4 वेरिएंट अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो सभी वेरिएंट में 109 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि 8.2 बीएचपी की पावर और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज 56 किलोमीटर है। टॉप वेरियंट्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा। उसी के साथ अलॉय व्हील्स हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। फीचर्स की बात करें तो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस, 10 आकर्षक कलर्स का चॉइस, इको मोड लाइट, 2 एक्स्ट्रा छोटे ऑक्सिलरी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स और एक्सटर्नल फ्यूल फिल, 17 लीटर का बूट स्पेस जिसमें है मोबाइल चार्जिंग की सुविधा जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। नंबर तीन पर आती है सुजुकी की एक्सेस। सुजुकी की ये स्कूटर लॉन्च से ही बेहद पॉपुलर रही है। कुछ समय पहले ही इसे अच्छा खासा रिफ्रेश भी मिला है। मुंबई में इसकी कीमत ऑन रोड 63,000 रुपीस है। इंजन की बात करें तो इसमें लगा है 125 सीसी का इंजन, जिसकी पावर की क्षमता 8.7 बीएचपी है और टॉर्क की क्षमता 10.2 न्यूटन मीटर की। कंपनी का दावा है कि ये 64 किलोमीटर तक का माइलेज देगी, जो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि टेस्टिंग से ये पता चला है कि इसका माइलेज 50 से 55 के आसपास है, जो कि ये रेंज के हर स्कूटर में दिखाई देता है। ब्रेकिंग के लिए इसके टॉप वेरिएंट में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और इसके साथ उसके शोभा बढ़ाने के लिए अलॉय व्हील्स भी। फीचर्स के बारे में कहे तो सीट के नीचे 21.8 लीटर जितना स्पेस मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ फ्रंट में एक बॉटल रहे उतना पॉकेट भी दिया गया है। उसी के साथ चार्जिंग सॉकेट और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें मिल जाते हैं। हालांकि एक्सटर्नल फ्यूल फिल और पास लाइट जैसे फीचर्स पर ये स्कूटर मिस आउट करती है। नंबर दो पर आती है टीवीएस की एंटॉर्क। जी हाँ, टीवीएस की ये स्कूटर लॉन्च होने से ही काफ़ी फेमस हो गई है। इस स्कूटर के फंकी स्टाइलिंग और अग्रेसिव लुक्स के वजह से ये एकदम यूथ फोकस्ड है। जायज़ है इसका सेल भी काफ़ी हो रहा है, और वो भी नौजवानों में। प्राइसिंग की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस मुंबई में ऑन रोड 80,000 तक जाती है। हाँ, ये हमारे अंडर 75,000 रुपीज़ से 5,000 ज़्यादा ज़रूर है, बट इसका बेस वेरिएंट 73,000 में मिल जाता है, जिसमें वही टॉप एंड का बेहद खूब 125 सीसी का टीवीएस का इंजन लगाया गया है, जो 9.4 हॉर्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, जो इस सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साबित होता है। माइलेज का कहा जाए तो कंपनी का दावा है ये 47 किलोमीटर तक माइलेज देगी, जो कि थोड़ा निराशाजनक है, पर इसको कॉम्पेंसेट करता है इसका पावर, जो सेगमेंट में लीडिंग है। फीचर्स के बारे में कहे तो वो काफ़ी ज़्यादा है।
लुक्स को फीचर की तरह देखें तो ये सबसे अग्रेसिव और शानदार दिखने वाली स्कूटर्स में से एक है। आकर्षक एलईडी लैम्प, टेल लैम्प के साइड में एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड आफ्टरबर्नर जैसे मॉक एग्जॉस्ट, फ्यूचरिस्टिक स्टांस, ये सभी स्कूटर की शोभा बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स कहे तो ऑल डिजिटल स्पीडो जिसमें है काफ़ी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे नेविगेशन असिस्ट, पार्किंग लोकेशन, राइड स्टैट्स, कॉलर आईडी इत्यादि, जो कि स्कूटर में आज तक उपलब्ध नहीं थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्कूटर एक बेहतरीन स्कूटर है, हालांकि ये हमारा टॉप स्पॉट थोड़े से अंतर से मिस कर देती है, जिसका कारण इसका माइलेज, काफ़ी अग्रेसिव लुकिंग होना जो सभी एज ग्रुप को शायद अच्छा ना लगे, और इसके स्टार्टिंग के इश्यूज। दोस्तों नंबर एक की तरफ जाने से पहले मैं स्पेशल मेंशन को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो स्पेशल मेंशन जाता है सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट को। बर्गमैन स्ट्रीट का मुंबई में ऑन रोड प्राइस 80,000 रुपये के करीब है। इंजन की बात करें तो इसमें 125 cc का इंजन लगा है, जो कि सुजुकी की एक्सेस में भी दिखने मिलता है। पावर की बात करें तो 8.7 हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करें तो 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालने में ये सक्षम साबित होता है। कंपनी का माइलेज का दावा है 48 किलोमीटर्स, जो फिर भी ज़्यादा नहीं है। बर्गमैन अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक के साथ उपलब्ध है। स्टाइलिंग की बात करें तो ये एक टूरिंग स्कूटर की तरह दिखती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर, बॉडी माउंटेड विंडस्क्रीन जो कि इसकी स्टाइलिंग को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, 21.5 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज, ग्लोव बॉक्स में चार्जिंग सॉकेट, क्रोम मिरर्स इत्यादि ऑफर करती है। नंबर एक। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर एक की। नंबर एक पर आती है होंडा की एक्टिवा 5G। जी हाँ, बेहद भरोसेमंद वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी वेल बिल्ट ये स्कूटर आती है हमारे नंबर एक स्पॉट पर। शायद ही भारत में कोई ऐसा हो जिसने ये नाम सुना नहीं होगा। एक्टिवा वो स्कूटर थी जिसने सेगमेंट की ही शुरुआत की थी। इतनी रिलायबिलिटी और सिंपलिस्टिक होने के साथ साथ ये स्कूटर माइलेज में भी बेस्ट साबित होती है। जब से लॉन्च हुई है तब से इसे कई बार इम्प्रूव कर दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो ऑन रोड मुंबई में ये 70,000 के कीमत पर मिल जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें लगा है होंडा का रिलायबल 110 cc का इंजन, जो कि BS4 कंप्लायंट है, जो 8 BHP पावर और 9 Nm का टॉर्क निकालता है। कंपनी का माइलेज का दावा है 60 km पर लीटर का। फीचर्स के मामले में इसमें आपको मिल जाता है डिजिटल और एनालॉग स्पीडो का कॉम्बो, जिसमें फ्यूल और ओडोमीटर डिजिटल है, उसके साथ साथ इको मोड दर्शाने वाला स्पीड इंडिकेटर भी आता है। स्पीडो में आपको सर्विस रिमाइंडर भी उपलब्ध है, सीट ओपन करने के लिए इंडिविजुअल बटन, 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, मेटल बॉडी इत्यादि फीचर्स भी मिलते हैं। उसी के साथ 8 कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिटी राइडिंग के लिए एक हल्की लेकिन रिलायबल, स्टाइलिश लेकिन सिंपल, तेज लेकिन अच्छी माइलेज वाली स्कूटर चाहिए हो तो गो फॉर एक्टिवा 5G, जो कि एक ऑल राउंड पैकेज है। अगर आप ट्रेंडी और मॉडर्न हो, जिनको लुक्स और फीचर्स ज़्यादा ज़रूरी हो, तो आपके लिए पेश है इंटॉर्क। आपका स्टाइल हटके है और थोड़ा नया ट्राई करना चाहते हैं तो गो फॉर बर्गमैन, जो कि एक टूरर स्कूटर की तरह साबित होती है। या आपको अगर पावर और कुछ अनोखे फीचर्स का अनुभव करना हो और लुक्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो माइस्ट्रो या जुपिटर या एक्सेस को चूज कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप 5 स्कूटर्स अंडर 75,000 रुपीस इन 2019 का रिव्यू। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ सुझाव हो तो भी कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।